इट्स 12:20 इन द आफ्टरनून। बहुत भयंकर नींद हो गई थी यार, पूरे 15 मिनट के लिए सो गया। वेलकम माई चैनल गाइज, आई होप यू गाइज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। बहुत टायर्ड फीलिंग हो रहा है तो थोड़ा सा मुझे अभी वर्कआउट करने दीजिए, और ये बहुत ही हैवी वर्कआउट है। आई वुड नॉट रिकमेंड यू, डोंट ट्राई दिस एट होम। सीरियसली बहुत ही हैवी वर्कआउट हो गया, कुछ खा लेते हैं। वर्कआउट के बाद मम्मी के हाथ का खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स भी थोड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। यार ये बिल्डिंग के नीचे इतने सारे फैंस आके खड़े हैं यार। यार मैंने तुम सबको कितनी बार बोला है, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डाला है कि मेरे बिल्डिंग के नीचे मत आया करो गाइस। तुम्हारी वजह से बहुत कंप्लेंट्स आने लगी है मुझे। पिछली बार तो एक अंकल ने आके पीट दिया था मुझे। यार ठीक है, फैंस हो मेरे, मानता हूँ, लेकिन ऐसे तो मत करो यार, तुम्हारी वजह से पिटाई हो रही है हमारी। तो भाई आज का रूटीन ये है कि हमें पहले तो ट्रायम का शोरूम जाना है, टाइगर को पिकअप करना है, उसके बाद रिटर्न करने के टाइम पे शानिस को भी उठाना है, और फिर देखते हैं आगे कैसे जाता है दिन। आसमान में बहुत सारे बादल दिख रहे हैं, आई होप बारिश ना हो, क्योंकि लंदन में बहुत तेज़ बारिश हुई थी कल। अबे ये कौवे क्यों परेशान करते हैं यार हमेशा, इसीलिए मुझे टेरिस में आने में डर लगता है। इधर है यार, ये लोग कहीं से भी आके झपट्टा मारते हैं, मेरे 1.5 लाख के कैमरे को टारगेट करते हैं, तोड़ भी सकते हैं यार। ओह माय गॉड, अभी भागो, भागो। चलो गाइस शानिस को फ़ोन लगा के बोल देते हैं कि हम लोग आने वाले हैं, क्योंकि बहुत टाइम लेती है रेडी होने में वो। हेलो शानिस। हाय बेबी। तो भाई मैं और वसीम सेठ जा रहे हैं। वसीम सेठ लड़की जैसी दिख रही है क्योंकि वो आजकल डेली सॉप्स बहुत देखती है ना, तो इसीलिए अजी चेहरा उसका लड़की जैसी हो गई है। तो वसीम सेठ ने बोला कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, कहीं पे भी धक्का मारने की आवश्यकता पड़ सकती है, इसीलिए हम सोचे कि रिस्क नहीं लेते और फटाक से पेट्रोल भर देते हैं। वसीम सेठ कितने का पेट्रोल डालना है? 100। 100 रुपया? यस हो जाएगा। हाँ आराम से। यार मुंबई की ये ट्रैफिक हमेशा ऐसे ही परेशान करती है यार, पता नहीं कोई भी किधर से आना जा रहा। यार मुंबई की ये सड़कें यार जान ले लेंगी यार। एक तो ट्रैफिक, ऊपर से ये सड़कें भी बहुत खराब है। पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, रोड में इतने सारे डस्ट भरे पड़े हैं। थैंक गॉड हम मास्क पहने हुए हैं। तो गाइस जिसका डर था वही हुआ, और अभी तक हमारी गाड़ी टाइगर रिपेयर नहीं हुई है, और ट्राइम वाले बोल रहे हैं कि एक हफ्ता और लग जाएगा, तो वापस हमें अगले हफ्ते फिर से आना पड़ेगा। चलो लगे हाथ एक कार का टेस्ट ड्राइव भी कर लेते हैं, अब वैसे भी आगे मुझे ख़रीदना है। तो भाई लोग अभी हम लोग ऑडी ट्रायल ले रहे हैं, अगर पसंद आया तो खरीद के ले जाएंगे। चले। ओह माय गॉड, बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंस। यार बाहर इतनी धूल मिट्टी थी, मेरे बाल ख़राब हो गए, तो मैं सबसे पहले कहीं बाहर जाऊं तो आने के बाद सबसे पहले मैं अपना हेयर वॉश करता हूं इस वाव शैम्पू से। इससे क्या होता है ना, आपके बाल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके बिंदास खरीद लीजिए। कैमरा बंद हो गया ना, क्या बकवास प्रोडक्ट्स बना रहे हैं यार ये। वाव चले, बाल झड़ने लगे हैं मेरे। तो भाई ट्रैम्प वालों ने अभी तक मेरा गाड़ी रिपेयर नहीं किया, आपने देखा कैसे पड़ा था उधर, तो जिस वजह से शानिस ने भी हमारे साथ बाहर जाने के लिए मना कर दिया। सो फार सो गुड।
तो मैंने एक कार लेने का सोचा था और इसीलिए मैंने टेस्ट ड्राइव लिया आपके सामने, आपने देखा ऑडी का, बट सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। लेट्स सी, धीरे धीरे इंक्वायरी करता हूँ, कुछ रिव्यू वगैरह चेक करता हूँ, एक अच्छी गाड़ी लेता हूँ आगे। सो फार सो गुड। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक शुक्रान, अलविदा, मासलामा, टेक केयर एंड डू वट एवर यू वॉन्ट माई लवली फ्रेंड्स। यार बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, ऊपर से एडिटिंग भी करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, ख्याल रखो। हेलो शानिश, क्या है बे निखिल, तेरे लिए दिन भर मैं चाय कॉफी बनाने के लिए नहीं बैठी हूँ। शानिश कैमरा चालू है। हाय बेबी।